कोई बात नहीं, जो भी रिकॉर्डिंग था वो शेयर कर देना, ठीक है सर। जो एपी की वीडियो है उसमें पहली वीडियो नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे, आज देखते हैं। इसके बाद सारांश की बात होगी ना, पहली वीडियो तो, और ये सारी चीजें, ठीक है। ओके सर। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो चीजें हैं वो चीजें एक बार ध्यान रखनी है, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ देखो। ट्रिग्नोमेट्री में छह चीजें आती हैं, एक साइन ए, कॉस ए, टैन ए, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक ए, साइन का उल्टा है कॉसेक ए, कॉस ए का उल्टा वन अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और टैन ए का उल्टा कॉट ए, ये तीनों चीज सही है। अब साइन ए, व्हाट इज साइन ए, अब ये देखते हैं। साइन ए ट्राइंगल है, ए के सामने पर राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ये वाले फॉर्मूले वैलिड। अब जैसे मैंने बोला ये है ए, ये है बी और ये सी। अच्छा बच्चे, ए जो होता है सारांश, सारांश सारांश यस सर, सारांश, ए जो होता है ना, ए जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ वो ध्यान रखना, ए के सामने कौन सी साइड है बताओ। सर हाइपोटेन्यूज, बी सी, बी सी है, ए के सामने कौन सी है बी सी, दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। ए के सामने जो एंगल के सामने होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमेशा क्या होगा बेस, ठीक है। फिर ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, पी बी एच, सही है। सर समझ नहीं आया, एंगल के सामने, एंगल ए है, एंगल ए के सामने हमेशा परपेंडिकुलर हो, ठीक है, पी, यस सही है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, और कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, और टैन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, ठीक है। अगर याद करने का तरीका क्या होता है वैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, याद करने के लिए बताया है कैसे याद कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, ये बात समझ आ गई है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ हर्षल, यस सर, हर्षल बच्चे ए बी सी लिखना है। अगर मैं बोलता हूँ साइन ए, व्हाट विल बी साइन ए, ए के सामने वाला क्या होगा, साइन ए सर ए बी, ए बी अपॉन सी, ये एंगल होगा, ए कौन सा एंगल होगा, हाँ, ये वाला एंगल होगा, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा बी सी, बात समझ आ गई, बी सी अपॉन ए सी, ए सी, सही है, यस सर। अब अगर मैं बोलता हूँ कॉस ए क्या होगा इस ट्राइंगल के लिए, जल्दी बताओ इस ट्राइंगल के लिए सर, कॉस ए बेस कौन सा होगा, ए सी, ए बी, ए बी अपॉन ए सी, सही है सर, ए बी, अच्छा इस वाले मैं ऊपर वाला ले रहा, ओके सर, ठीक है, इस वाले की बात कर, और टैन ए क्या आएगा जल्दी बताओ सर, टैन ए आएगा tan a p upon b perpendicular upon base bc upon a ab, सही है सर, ठीक है। एक और पूछता हूं मैं एक बारी, आरुष, यस सर, a b c sin c cos c और tan c क्या क्या होगा, sin c perpendicular कौन सी साइड होगी सर, परपेंडिकुलर होगी ए बी, ए बी, साइन सी का फॉर्मूला क्या आएगा, ए बी अपॉन, ए बी अपॉन ए सी, कॉस सी का फॉर्मूला क्या आएगा जल्दी बताओ, कॉस सी का बी सी बाय ए सी, और जल्दी से बता टैन सी का परपेंडिकुलर ए बी, ए बी बाय बी सी, ये बात समझ आ गई, यस सर। अगर मैं यही पूछता हूँ नेक्स्ट कौन बच्चा बोलेगा, दिव्यांशी, यस सर, साइन ए क्या आएगा, कॉस ए क्या आएगा, टैन ए क्या आएगा, बताओगे,
यस सर। साइन ए के, ए के सामने परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए के सामने बीसी, बीसी अपॉन एसी, ये बात समझ आ रही है? यस सर। कॉस ए क्या होगा? कॉस ए होगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है? यस सर। टैन ए क्या होगा? बी सी अपॉन ए बी। इसमें कोई डाउट है तुम्हारे को? नो सर। अच्छा, साइन का, साइन ए का उल्टा होता है वन अपॉन साइन ए, क्या होता है? कॉस ए के, क्या होता है? कॉस ए के। और वन अपॉन कॉस ए का उल्टा क्या होता है? सेक ए। और वन अपॉन टैन ए का उल्टा क्या होता है? दैट इज कॉट ए। कोई डाउट है? ठीक है, कॉट ए रिपीट कर लो। क्या बच्चे? सर वन को कैसे लिखा था जब उल्टे हो गए थे? मैंने वन को कैसे लिखा था? देखो बच्चे, मैंने वन अपॉन साइन ए का फॉर्मूला बोला है। वन अपॉन साइन ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए के। वन अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है? सेक के। वन अपॉन टैन ए किसके बराबर होता है? कॉट ए के। ये बोला, यस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब ये देखते हैं हम, इसके बाद कुछ चीजें पूछता हूँ। पहले बोलेगा कौन बोलेगा बच्चे जो रह गया अभी तक? सर मैं, हर्षित। हर्षित रह गए, चलो हर्षित तुम बोलो। पहला क्वेश्चन है हर्षित, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल्ड है बी पे। राइट एंगल कहाँ पे है? एंगल बी इज 90 डिग्री, सही है? यस सर। और ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको 24, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7। आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए, साइन ए कॉस ए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब ट्राइंगल बना ले, कहाँ पे राइट एंगल है जल्दी बताओ? ट्राइंगल बी, बी, ये ए मान लेते हैं, ये सी मान लेते, ठीक है ना? यस सर। अच्छा अब साइन ए बी की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ? 24। और BC की वैल्यू क्या है? 7। AC की वैल्यू बताओगे क्या आएगी? Yes sir। बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं? Yes sir। तो ये कितना आ गया? 24 स्क्वायर 576 प्लस 49 कितना हो गया? 625। That is 25। ये बात समझ आ गई? Yes sir। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब साइन ए का क्या फॉर्मूला आएगा जल्दी बताओ? सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। परपेंडिकुलर होगा कौन सा? सर 7 अपॉन, नहीं बीसी, बीसी बोलो, बीसी अपॉन एसी, ऐसे 7/25, सही है? यस सर। अब कॉस ए क्या होगा? कॉस ए क्या होगा? कॉस ए एबी अपॉन एसी। एबी कितना है? 24/25। अगर बच्चे मैं यहीं पे पूछता साइन सी और कॉस सी क्या होगा, बताएगा? सर साइन सी, सर 24/25, ए बी अपॉन ए सी बोलेगा, दैट इज 24/25। और कॉस सी क्या आएगा? कॉस सी, सर ए सी अपॉन, नहीं बी सी अपॉन, ठीक है? ओके सर। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा टैन सी बताएगा, टैन सी क्या आएगा? टैन सी क्या होता है? पी अपॉन बी। पी कितना है? टैन सी के सामने परपेंडिकुलर कितना है? ए बी 24/7। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। दिव्यांशी, दिव्यांशी, यस सर। बच्चे अपना माइक बंद करके रखो। नेक्स्ट देखो एक बारी। ये बताओ दिव्यांशी, तुम बोलो। दिव्यांशी सर मैं बताऊं?
हाँ चलो तुम बोलो, कौन बोल रहा है बच्चे? अमन। अमन तुम बोलो। अब अमन मेरे को निकालना है ट्राइंगल से टैन पी माइनस कॉट आर, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? नो। टैन पी की वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्यू आर की वैल्यू जल्दी बताओगे, क्यू आर की वैल्यू क्या होगी? फाइव। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर दैट इज थ्रू पाइथागोरस थ्योरम रूट 25, आंसर इज 5। कोई डाउट? नो सर। टैन पी की वैल्यू क्या होगी जल्दी बोलो अब। 5/12। नहीं पहले वो बोलो टैन पी की वैल्यू, सामने परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर अपॉन अपॉन पी। कॉट आर की वैल्यू क्या होगी, कॉट आर की, कॉट आर का मतलब 1 अपॉन टैन आर हो गया, टैन आर की वैल्यू बोलो। बेस लेंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ कॉट आर की वैल्यू, कॉट आर की वैल्यू 1 अपॉन टैन आर होती है, टैन आर की वैल्यू क्या है? ये बात समझ आ गई हाँ या ना? टैन आर के सामने परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन पी आर, सही है? टैन आर की वैल्यू पी क्यू अपॉन पी आर होगी ना, हाँ कि नहीं? अमन टैन आर आर के सामने पर... हाँ बोलो बोलो, डाउट क्या? टैन पी के सामने परपेंडिकुलर कौन सा होगा? पी एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने हमेशा ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया क्यू आर, क्यू आर अपॉन पी क्यू लेंगे ना, क्यू आर अपॉन पी आर लेंगे ना, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ क्यू आर अपॉन पी क्यू लेंगे, सॉरी पी क्यू, हाँ बिल्कुल सॉरी बच्चे। अब टैन आर में क्या लेंगे, क्यू अपॉन, मैंने गलत लिखा है, पी क्यू अपॉन क्यू आर आएगा, ठीक है ना? अब क्यू आर ये देखो बच्चे दोनों ही कट गए ना सीधे ही, आंसर जीरो। कोई डाउट है? नो। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, अब तुम बताना दिव्यांशु, बच्चे सर दिव्यांशु मीटिंग में ही नहीं है। अच्छा चलो आरुष। यस सर। आरुष साइन ए की वैल्यू क्या रखी है सर? एक मिनट। साइन ए की वैल्यू 3/5 दे रखी है। यस सर। तो कैसे करेंगे, साइन ए ट्राइंगल बनाया, साइन ए क्या होता है, अगर ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, साइन ए किसके बराबर होगा सर? साइन ए सर सी बी बाय सी ए के बराबर होगा, यानी ये 3 होगा और ये 5 होगा, हाँ कि नहीं? यस सर। ये कितना आएगा सर? ये आएगा सर 4 आगे। चलो अब कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ सर? कॉस ए की वैल्यू 4/5 ए बी अपॉन ए सी और दैट इज 4/5। कोई डाउट है? नो सर। टैन ए की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ सर? टैन ए की आएगी सर सी बी बाय बी ए 3/4। कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है हर्षित। यस सर। कॉस ए की वैल्यू 12/13 दे रखी है, साइन ए और टैन ए निकाल,
क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो कॉस ए मतलब क्या हुआ? सब बेस अपॉन साइड। तो बेस कितना है? ए बी। ये 12 है और ये कितना है? सर 13। अब ये कितना आ गया? बी सी। बोलो। सर 5। चलो अब बताओ साइन ए की वैल्यू कितनी आई? सर 5/13। बी सी अपॉन और टैन ए की वैल्यू? टैन ए की वैल्यू सर टैन ए की 5/12। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी ये किसने बोला था? अमन। अमन तुम्हारे से बहुत नॉइज आ रही है बच्चे। अमन रुक जाओ, तुम मत बोलो। आरुष बंद कर। आरुष। यस सर। आरुष तुम बोलना। टैन ए की वैल्यू दे रखी है 24/7। निकालना है साइन ए और कॉस। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बताओ ए ये मान लिया, बी ये मान लिया, सी ये मान लिया। अब किसकी वैल्यू गिवन है 24 और किसकी वैल्यू 7? सर पी की गिवन है 24, यानी कि सी बी की गिवन है 24 और बी ए की गिवन है 7। हाँ बताओ अब कैसे करेंगे? सर इसमें मेरा एक डाउट था। बोलो। सर इन्होंने जो टैन ए की वैल्यू दी हुई है ना 24/7, हो सकता है टैन ए की सिंपलीफाइड वैल्यू हो? हाँ ये सिंपलीफाइड वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते थे बच्चे, आंसर दोनों से सेम आना है। टैन ए की वैल्यू अगर हम ये भी बोल सकते हैं, अच्छा दूसरे वे में करके सर, लेट अस सपोज ये 24x है, ये भी 7x। अब ठीक है? यस सर। अब ये एसी कितना आएगा बताओ? सर एसी आएगा √24x2 + 7x2। अब ये कितना आया? √25x। बात समझ आ गई। अब साइन ए की वैल्यू बोलो। सर साइन ए की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर बाय हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर 24x/25x। चलो बात समझ आ गई। कॉस ए की वैल्यू बोलो। सर कॉस ए की आएगी 7x/25x। चलो आंसर कितना आ गया? 7/25। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हर्षित। यस सर। आप एक और देखते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 12/13 दे रखे, ठीक है? कॉस ए और टैन ए निकालना। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। अब साइन ए किसके बराबर होगा? सर साइन ए बी सी होगा 12 के बराबर और ए बी होगा 13 के बराबर। जैसे बच्चे ने पिछले बोल रहा था 13x ले लिया, इसे 12x ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके सर। नो सर। चलो ए सी की वैल्यू क्या होगी? 5x। 13x² का होल स्क्वायर माइनस 12x का होल स्क्वायर, दैट इज 5x। कोई डाउट? नो सर। चलो कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी? सर कॉस ए की होगी वैल्यू ए बी अपॉन ए सी। कॉस ए ए सी अपॉन ए बी, सही है? ओके सर। यस सर। अच्छा चलो टैन ए की वैल्यू क्या होगी? सर बी सी अपॉन ए सी। बात समझ आ गई? हाँ या नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा अब एक चीज देखते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन एक और देखते हैं।
यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको? दिव्यांशी? यस सर। दिव्यांशी, थ्री क्वार्टे इज इक्वल टू फोर दे रखा है। थ्री क्वार्टे किसके बराबर दे रखा है? फोर के बराबर दे रखा है, ठीक है। प्रूफ करना है, वन माइनस टैन स्क्वायर ए ओवर वन प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वलेंट टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नो। क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो दिव्यांशी। यस सर। cot a का यानी 3 बाय 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a हो गया। यस सर। ये tan a आ गया, ये बात समझ आ गई? tan a की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा आप जल्दी से बताओ मुझे कि इसके बाद tan a किसके बराबर होगा? tan a इज इक्वल्स टू bc अपॉन ab। अच्छा चलो अब बताओ मेरे को ac की वैल्यू कितनी आई? AC की वैल्यू 3-4x। AC के लिए 5x आएगी ना बच्चे? Yes sir। अच्छा इसमें इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या निकालना है? एक tan a निकालना है, एक cos a निकालना है, एक sin a निकालना है। बात क्लियर है? Yes sir। चलो tan a तो पता ही था, sin a कितना आया जल्दी बताओ? sin a है 3x अपॉन 5x। cos a कितना आया? cos a 4x upon 5x। यहाँ तो बात समझ आ गई? Yes sir। अब देखते हैं प्रूफ करने के लिए, 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a की वैल्यू चेक कर। 1 minus 3 by 4 का होल स्क्वायर upon 1 plus 3 by 4 का होल स्क्वायर, कोई डाउट? No, sir. 16 माइनस 9 आ जाएगा, नीचे वाला तो कट जाएगा, 16 प्लस 9 आ जाएगा 7/25, कोई डाउट? नो सर। अब cos square a कितना है? 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, कोई डाउट? नो सर। आ गया ये भी 7/25। यस सर। समझ आ गई बात? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. चलो अब मेरे को एक जना और बताए, अब एक क्वेश्चन करते हैं, हम ट्राई करते हैं। बताओ कौन बोलेगा? मैं बोलूं? हाँ बोलो। ठीक है, tan a की वैल्यू दे रखी है आपको 1/√3। क्या दे रखी है? tan a की वैल्यू 1/√3। हमें निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? सर साइन ए निकालना है, कॉस सी निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है? कॉस ए साइन सी दोनों को ऐड करके आंसर निकाल। सर एक सेकेंड, साइन ए कॉस सी, अच्छा ठीक है सर, प्रोडक्ट है ना। अब tan a देखते हैं क्या करेंगे। tan a ये मान लिया, b ये मान लिया, c ये मान लिया। अब बता जल्दी से tan a कितना हो गया? सर tan a होगा ab डिवाइडेड बाय tan a डिवाइडेड के सामने पर cb/b। हाँ तो ये x हो गया और ये √3x हो गया, कोई डाउट? नो सर। अच्छा ac की वैल्यू बोल जल्दी से क्या आएगी? सर ac की वैल्यू आएगी सर
सर एक चीज ये समझ में नहीं आई। बोलो क्या नहीं समझ आया? सर नहीं समझ में आ गया। 2x आ गया ये। अब जल्दी से बता मेरे को साइन ए की वैल्यू क्या है? सर साइन ए की वैल्यू साइन ए यहाँ से होगा, एक सेकंड सर, साइन ए की वैल्यू होगी सी बी डिवाइडेड बाय ए सी, तो आ जाएगा एक्स बाय टू एक्स, वन बाय टू। कॉस ए कितना आएगा? सर कॉस ए आएगा बी ए डिवाइडेड बाय सी ए। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा साइन सी कितना आएगा जल्दी बताओ? सर साइन सी आ जाएगा, एक सेकेंड, सी आए तो बी ए डिवाइडेड बाय सी ए। कितना आएगा? सर स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। कॉस सी कितना आएगा? सर कॉस सी आएगा बी ए डिवाइडेड बाय बी सी डिवाइड बाय ए सी। बी सी डिवाइडेड बाय कॉस, सही है? सर एक सेकेंड, सी का आपने कहा है? यस बेस बी सी होगा। आप इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं साइन ए, इन सब की वैल्यू पुट कर रहे हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है हमारी? वन बाय टू। और कॉस सी की वैल्यू क्या है? कॉस सी की वैल्यू वन बाय टू। और साइन कॉस ए की वैल्यू क्या है? रूट थ्री बाय टू इंटू रूट थ्री बाय टू। यानी आंसर आ गया वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर, दैट इज वन। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा अब एक काम करना है, मैंने अभी तक जो एक्सरसाइज कराई है वो दैट इज 8.1, दैट इज 8.1। ठीक है, 8.1 कब तक कंप्लीट हो जाएगी? बच्चे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। यस 8.1 कब